हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग। एक नया व्लॉग शुरू हो चुका है। आज सोमवार है और आज मैंने जॉब से छुट्टी ली है, तो बहुत अच्छी धूप के लिए है। और धूप का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इतने सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। और आज जो मौसम है कुछ ऐसा हो रखा है, अच्छी सी धूप लगी है आज। तो कूड़े की गाड़ी आ गई है, सबसे पहले मेरे को कूड़ा देना पड़ेगा। कपड़े धोने के बाद अभी मैं निकला हूँ एयरटेल स्टोर के लिए, क्योंकि जो मेरा सिम है ना, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और मेरे को जाना पड़ेगा एयरटेल स्टोर। और कल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इस नेटवर्क से, इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को जाना पड़ेगा अब एयरटेल स्टोर पे और एयरटेल स्टोर से सिम पोर्ट कराना पड़ेगा। और ये कुछ ऐसा है सरस्वती विहार। तो फाइनली मैं पहुँचा हूँ कारगी चौक, और कुछ ऐसा है कारगी चौक। पीछे से बनती आ रही है ना, तो कभी नहीं बनी। मैं अपने रूम पे जाने का रास्ता भूल चुका हूँ। बड़ी मुश्किल से पूछ पाछ के रास्ता मिला है और अब जा रहा हूँ अपने रूम की साइड। तो भाई मतलब रास्ता भूलना एक अलग बात है, और अब से मुझको हमेशा याद रहेगा कि यहाँ से आगे मेरा रूम पे जाने वाला रास्ता है। और आज मैं पहली बार अपने रूम पे जाने का रास्ता भूला। तो मेरे को यहाँ पे दो स्ट्रीट डॉग मिले जो काफ़ी क्यूट हैं, और ये हमेशा यहीं पर रहते हैं। ए क्यूटी भाई, क्यूटी भाई, कैसे हो कैसे हो, खुशी देख रहे हो उसकी। चलेगा मेरे साथ। तो अभी एक स्ट्रीट डॉग के बच्चे मुझे काफ़ी क्यूट से आगे पे मिले थे, और एक स्ट्रीट डॉग ये है जो यहाँ पे रोज़ घूमता रहता है। ओए कालू। तो सिम को पोर्ट करा के मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम पे, और रूम पे पहुँचते ही जो है नेटवर्क का इश्यू फिर से शुरू हो चुका है। और बाहर जो है रूम के बाहर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, रूम के छत पे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है 5G चलाने में, 4G चलाने में। लेकिन रूम पे आते ही जो दिक्कत है वो इतनी बढ़ जाती है कि जो है ढंग से नेटवर्क काम नहीं करता। और मैंने जो है फाइनली अपना सिम एयरटेल में चेंज करा लिया है। एयरटेल का कोई प्रमोशन नहीं है, बस ये है कि रूम पे कनेक्टिविटी बिल्कुल सही रहती है। और मैंने जो है चूल्हे में खाना चढ़ा लिया है। तो आज जो है छुट्टी है, तो छुट्टी का पूरा आनंद लेंगे। और छुट्टी का मतलब आनंद क्या ही होना। आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान था। पहले तो कल रात को मेरा जो फ़ोन है वो लॉक हो चुका था, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने फ़ोन को खोला। उसके बाद मेरा गूगल पे अकाउंट वगैरह सब जो है डीएक्टिवेट हो गया था। वो अकाउंट जो है अब एक्टिवेट नहीं हो रहा है सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी की वजह से। नॉक सिक्योरिटी में इतने ज़्यादा फीचर है कि अब मैं जो हूँ गूगल पे या फोन पे से जो एक्टिवेशन का मैसेज होता है वो सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, और इसी वजह से जो है मेरा गूगल पे और फोन पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने जो है अपना अकाउंट पेटीएम पे एक्टिवेट किया, तब जाके मेरा काम हुआ। और अभी तो ये सिम जो है फ्री में पोर्ट हुआ है, तो जाने आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। कल से जो है भैया कॉन्टिन्यूस जॉब कर रहा है, और भैया की जो है ड्यूटी टाइम 24 आवर का है, तो मेडिकल लाइन में ऐसी होता है। और कल रात को भी मैंने खाना अकेला खाया, और अभी भी मैं खाना अकेले ही खा रहा हूँ। और खाने में मैंने चावल बनाया है, उसके अलावा थोड़ी सी दाल बनाई है, तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल आदमी के लिए थोड़ा ही खाना बहुत होता है। और दरअसल मेरा अकेला खाना खाने का मन भी बहुत कम ही करता है। तो चलिए सबसे पहले खाना खाते हैं, फिर ब्लॉग को रखते हैं आगे कंटिन्यू। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं स्मार्ट बाज़ार में, और यहाँ पे बहुत सारे जो है ऑप्शंस है, जैसे कि बर्गर किंग है, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार कर दी है, तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर कैसा है। वैसे लग तो ठीक ही रहा है।
तो बाजार दर्शन का एक बहुत अच्छा नमूना ये है, जहाँ पे जो है छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई गई है, जैसे कि ये जंप, इसमें जंप करते हैं, वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ ऐसा व्यू है स्मार्ट बाज़ार का, तो अंदर जाके देखेंगे कैसा है। तो स्मार्ट बाज़ार में आपको सारी प्रकार की सब्ज़ियाँ मिल जाएंगी और सारी सब्ज़ियाँ जो है बाज़ार के रेट से दो दो रुपये, पाँच पाँच रुपये ही ज़्यादा हैं। और यहाँ पे बहुत सारे खाने के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो अभी जो है स्मार्ट बाज़ार से घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं विशाल की ओर और देखेंगे कि वहाँ पे कुछ और है या नहीं। तो भैया और मैं बैठे हैं होटल में, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और आज हमने प्लान बनाया कि हम बाहर खाना खाएंगे और अभी भाई यहाँ पे बैठा हुआ है और हम कर रहे हैं खाना आने का वेट। तो रात के बज चुके हैं 11 और मुझे लग चुकी है भूख और खाने के लिए अभी जो है कुछ ब्रेड्स पड़े हैं और इन्हीं ब्रेड्स पे जो है पीनट बटर लगाऊंगा और फिर जो है रात को ब्रेड खाऊंगा और फिर जो है भूख खत्म हो जाएगी। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी लोगों से अलविदा, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत और तब तक के लिए बाय दोस्तों।